हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों का वेलकम है अपने चैनल पे। तो आज जो मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ वो क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन का है। तो लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस में सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस तो बच्चे कर लेते हैं, उसमें डायरेक्ट उनको मिल जाता है। बट जो वर्ड प्रॉब्लम होती है, स्टोरी प्रॉब्लम, उसमें क्या होता है ना कि उसमें उन्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती और वो इक्वेशन नहीं बना पाते, और इक्वेशन नहीं बना पाते तो वो वैल्यू नहीं निकाल पाते। So let me discuss about one question here. So question is, Manish had 60 flowers. He offered some flowers in a temple. So Manish के पास 60 flowers है, ठीक है ना? Flowers तो सब जानते हो। उसने he offered some flowers in a temple. Temple means मंदिर जो होता है उन्हें temples कहते हैं। तो temple and found that the ratio of the number of remaining flowers, जो उसके पास अब फ्लावर बचे हैं, to that of flowers in the beginning, और जो पहले थे, जो बचे हैं और जो पहले थे, उसका रेशियो इसमें बता दिया है 3:5, यानी कि ये तो बचे हुए का है और ये पहले जो थे, ठीक है, इनका रेशियो बता दिया। So now you have to find, ये होता है मेन क्वेश्चन, जहां भी फाइंड व्हाट इनसे रिलेटेड आ जाता है ना, वहां मेन क्वेश्चन, क्वेश्चन को क्या चाहिए वो पता चलता है। फाइंड द नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑफर्ड बाय हिम इन द टेंपल, तो टेंपल में उसने कितने दिए। अब मैं क्वेश्चन पूरा आपको हिंदी में बोलता हूं। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मनीष के पास 60 फ्लावर्स है, 60 फ्लावर्स को वो ले जाते समय उसने कुछ फ्लावर्स टेम्पल पे दे दिए। अब कुछ वो कितने दिए वो अपने को नहीं बताया, पर कुछ फ्लावर्स उसने टेम्पल में दे दिए, मंदिर में। तो उसके बाद जो उसके पास फ्लावर बचे हैं और जो पहले थे, उसका बस रेशियो बताया हुआ है आपको, जो कि 3:5 है। इसके बेस पे अपन इसकी टेम्पल पे उसने कितने दिए उसको अपन निकाल सकते हैं। तो आइए मिलके करते हैं। तो सबसे पहले इसमें अपन क्या करेंगे, तो जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है ना, उन्हें लिखना भी वर्ड प्रॉब्लम्स में ही पड़ता है थोड़ा, इक्वेशन बनाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले जो उसने टेंपल में दिए, लेट द नंबर ऑफ, ये आपको लास्ट लाइन में मिल जाएगा, जो क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है ना वो, लेट द नंबर ऑफ फ्लावर्स offered by him, और given to temple भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, by him be x, x मान लेते हैं, offered by him in temple, पूरी लाइन लिखना चाहो तो पूरी भी लिख सकते हो, बस ये अपने को पता चल गया कि हाँ ये क्या, किस चीज को अपन x मान रहे हैं, जो temple में दिया उसको अपन ने x मान लिया। तो obviously जब temple में जो दिया और total में से जो temple में दिया उसको minus कर देंगे तो वो remaining हो जाएगा। So now remaining flowers will be, total कितने थे पहले 60, उसमें से माइनस x कर देंगे, ये जो रहेगा वो remaining रहेगा, है ना, remaining रहेगा, कंफर्म है ये, यहां और यहां पे क्लियर हो गया। पहले 60 थे, जितने ऑफर टेम्पल में किए उसको x मान लिया, और जिसको जो बचे हैं वो 60 में से टोटल में से माइनस कर लिया, तो ये बच गए। अब अपन को इसका और इसका नहीं, इसका रेशियो पता है, ठीक है ना, वो कैसे पता चला, ये तो हो गया रिमेनिंग फ्लावर का और ये बिगिनिंग, बिगिनिंग ये है और रिमेनिंग वो है। तो रिमेनिंग को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे अपन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो सबसे पहले ऊपर अपन लिखेंगे रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना है 60 माइनस एक्स, बिगिनिंग 60, ओके, इक्वल रेशियो क्या है 3:5, हो गया ये सिंपली। ये इक्वेशन बनने के बाद अपन इजीली एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन करना होता है सिंपल। तो क्रॉस मल्टीप्लाई सबको आता होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, नीचे नीचे इक्वल में कट हो सकता है एंड क्रॉस, तो अपन यहां पे इसको
क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। चलो मैं इसको काट के बताता हूँ, 5 1 5 एंड 5 12 16। ओके, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई सपोज इसको इधर कर देते हैं, 12 3 36। मल्टीप्लाई नहीं करके 12 × 3 भी लिख सकते हैं अपन, इक्वल्स टू ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 60 - 6x। ये टोटल को जब अपन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 160 जा 60, x1 जा x। अब क्या करेंगे अपन, x को ले आएंगे इधर और 36 को उधर। एक चीज बता दूं, इक्वेशन के अंदर इक्वल से इधर या उधर ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। हाँ, अगर आप पूरा का पूरा इधर दिखाते हो और पूरा का पूरा उधर दिखाते हो तो कोई साइन को चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसको सिंपली आप 60 - x इधर लिख सकते हो, 36 उधर लिख सकते हो। लेकिन अगर आपने सिंगल को इधर या उधर किया, सिंगल या डबल अलग अलग करके, तो उसमें आपको साइन चेंज जरूर करना है। तो यहाँ पे लीजिए, मैं x को इधर लेके आ रहा हूँ तो x जो माइनस का है वो बन जाएगा प्लस का, ठीक है ना। और 36 को उधर ले जाऊंगा तो यहाँ तो 60 बचा हुआ था क्योंकि x तो इधर आ गया। अब 36 को जब उधर ले गया ना तो प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, इक्वल से इधर या उधर ले जाते हैं तो ये -36। तो जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लास्ट आंसर 24, एक्स इक्वल्स टू 24। ओके, तो ये एकदम सिंपली आंसर है। मेन जो होता है वो होता है ये, इस चीज को बनाना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन इससे भी टिपिकल क्वेश्चन और आएंगे, मैं अभी आपको नॉर्मल बताया हूँ, अगली बार मैं और भी टिपिकल, मतलब अपने स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे क्वेश्चंस। तो उससे क्या होगा ना कि आपके लीनियर इक्वेशंस के वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब यहाँ पे जब आपने वर्ड प्रॉब्लम मिला है तो अपन को हैंस लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हैंस लिख सकते हो, देयरफॉर लिख सकते हो। इससे क्या होता है ना, अपना आंसर्स का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहता है। तो अपन, यहाँ मेरी जगह नहीं है तो मैं साइड में लिख के बता रहा हूँ, हैंस द नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑफर्ड बाय हिम इन द टेंपल, हैंस द नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑफर्ड बाय हिम। कुछ बच्चे लोग इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते हैं, स्किप कर देते हैं। ये सब प्रेजेंटेशंस के आंसर करना इम्पोर्टेंट नहीं है, आंसर को रिप्रेजेंट एकदम टू द पॉइंट करना वो ज़्यादा जरूरी होता है, उससे आपकी वैल्यू अच्छी लगती है, चेक करने वाले को भी और दिखने में भी अच्छा लगता है। बाय हिम इन द टेंपल इज 24, ओके। और या फिर आप ये भी लिख सकते थे, 24 फ्लावर्स ऑफर्ड बाय हिम इन द टेंपल, अगर आप पहले आंसर लिखना चाहो तो। आशा करता हूँ कि मैंने जो भी समझाया हो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो आप ज़रूर कमेंट दीजिए, मैं उसे और क्लियरली और डीपली समझाने की कोशिश करूँगा। रैंडमली क्वेश्चन इसीलिए सेलेक्ट कर रहा हूँ कि कब किस बच्चे को क्या समझना हो। तो आप जब भी आपको कोई डाउट वगैरह रखे लगे तो मुझे मैसेज ज़रूर कीजिए कमेंट बॉक्स में, और हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन।